नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट। इसका नाम है डालबर्ग डाइसी, इसे थाइमोफाइला भी बोलते हैं। और देखिए येलो कलर में इसका छोटा छोटा फूल कैसे भर के आया है दोस्तों। और मेन इसका खूबी है, ये छोटे से जगह में हो जाता है और हैंगिंग बास्केट के लिए भी बढ़िया प्लांट है और बिगिनर्स भी इसे लगा सकता है दोस्तों। बहुत ईजी टू केयर है और मेन बात रहता है ये साल में हर सीज़न में आपको फूल देता है। और देखिए फूल लास्टिंग भी करता है आपका बहुत दिन तक, ये डाइसी फैमिली से होता है। और देखिए ये अभी बहुत प्यारा खिला है और देखिए सभी सीड पॉड भी बनने लगा है। इसका प्रोपागेशन दोस्तों सीड के थ्रू हो जाता है। ये देखिए ये सब सीड पॉड बन रहा है इसका और ये अपने आप ही गिर के बहुत सारा प्लांट बन जाता है। ये पौधा अगर एक बार आपके घर में आ गया तो दोस्तों आपका सारे गमले में ये हो जाता है, क्योंकि इसका सीड हवा में ऐसे ही उड़ जाता है और दूसरे गमले में गिर जाता है। तो ये देखिए चारों तरफ ये फूलों से भरा हुआ है और बारिश के बाद इसमें ग्रोथ आना शुरू होता है। और पानी इसे बहुत कम चाहिए दोस्तों, पानी ज़्यादा पसंद नहीं करता है और वेल ट्रेंड मीडिया चाहिए। और फूल ना भी खिले तो देखिए इसका पत्ता भी बहुत प्यारा दिखता है और पत्ता भी इसका बहुत खूबसूरत रहता है। और मेन इसका फर्टिलाइज़र की बात करें तो ऐसा कुछ खास फर्टिलाइज़र चाहिए नहीं। जब गमले में आप इसका सीड डाल रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा गोबर का खाद या फिर फर्मी कंपोस्ट अगर आप दे देते हो तो इसे बस उतना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र मैं कुछ देता नहीं हूँ इसे। और ये दोस्तों आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं नीचे, लेकिन अगर हैंगिंग बास्केट में आप लगाते हो तो झुका हुआ रहता है नीचे, देखिए ऐसा तो बहुत प्यारा दिखता है। और एक गमले में आप दो तीन भी लगा सकते हो, गमला अगर आपका बड़ा है। और मेन बात है दोस्तों इसका इजी टू केयर, ये लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और बिगिनर्स भी इसे केयर कर सकता है। अगर आप गार्डनिंग का शुरुआत कर रहे हो तो ये सब प्लांट के लिए जाना चाहिए आपको। इसका आप जब पॉटिंग मीडिया रेडी कर रहे हो तो सैंड जरूर मिलेगा। इसका रूट बहुत सॉफ्ट रहता है और सैंडी सॉइल बहुत अच्छा रहता है। अगर आपका सॉइल हार्ड है तो ये ग्रो नहीं कर पाता है। और किसी किसी का एरिया में दोस्तों मिट्टी बहुत हार्ड वाला मिलता है तो वहाँ पे आप रिवर्स सैंड मिला सकते हो और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और इसे लगा दीजिए। बस एक बार आप इसे लगा दिए तो एक महीने के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। और फूल एक बार आ गया तो दोस्तों रेगुलर ये फूल देता रहता है। बस इसका आप जो सीड बन जाए उसे आपको हटाना है और वो सीड को आगे के लिए रखना है आपको। ये प्लांट अगर मर जाए तो वहाँ से आप फिर नया प्लांट बना सकते हो और ये आप फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। बहुत सारा सीड बन जाता है दोस्तों और हज़ार हज़ार प्लांट बन जाता है आपके गार्डन में। आपके एरिया अगर बहुत ज़्यादा है तो चारों तरफ इसे लगाइए, ये बहुत बढ़िया कलर ऐड करेगा आपके गार्डन में साल भर। सनलाइट की बात करें तो दोस्तों इसे फुल सनलाइट पसंद है और सनलाइट जितना इस पर गिरता है उतना बढ़िया रहता है। और पानी जब आप दे रहे हो तो सनलाइट अगर इस पर गिरता है तो सुबह पानी दे दिए, फिर नेक्स्ट डे आप चेक करके दीजिएगा, दो दिन में एक बार देंगे तो भी पानी चलेगा। बहुत कम पानी चाहिए इसको और ड्रॉट टॉलरेंस वाला प्लांट भी है। एक दो दिन आप पानी नहीं भी देते हो तो कुछ नहीं होता है। और छोटे से गमले में अगर आप लगाए हो तो रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि प्लांट ड्राई हो जाता है, मिट्टी सूख जाता है छोटे से गमले में अगर आप रखते हैं तो। इसे डिजीज की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ खास डिजीज लगता नहीं है। और इसे आप अगर केयर ना भी करेंगे तो एक कोने में ये पड़ा रहेगा और अपने आप इसे फूल देता रहेगा आपको। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा आपका मिलीबग लगता है। मिलीबग देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मिलीबग लगा है, लेकिन ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता है, थोड़ा थोड़ा लगते हैं। तो ऐसे में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए या फिर सर्फ एक्सल ब्लू जो आपका डिटर्जेंट आता है उसे एक लीटर पानी में एक चुटकी डाल के आप स्प्रे कर सकते हो। बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे ये प्लांट मिलेगा कहाँ, तो देखिए सीड मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं दे दूँगा आप लोगों को। और ये मेरा देखिए व्हाट्सएप नंबर नीचे मैं दिया हूँ, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। दिन में देखिए 80-90 कॉल आ जाता है और मैं उठा नहीं पाता हूँ। फ़ोन पे अगर बात करेंगे तो बात लंबा बन जाता है और इतने सारे लोगों के साथ मैं बात नहीं कर सकता दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा। व्हाट्सएप आप कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और
ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और कैसे ये सीड आपको मंगाना है मैं बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।